is Dr. Vijayalakshmi Naidu, Assistant Professor Botany, Government VYTPG, Autonomous College, Durg. With the topic Pollen Development, Pollen Tube Growth and Guidance, this is the part of MSc 4th semester, Paper 1, Unit 2, and it is also given in the syllabus of BSc 2nd year Botany in Paper 2. Unit 4. Today we are going to discuss the second part of this topic, that is pollen tube growth and guidance. Students, जैसा कि हम जानते हैं, पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन का पहला सेल होता है और पॉलन ग्रेन के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में पार्ट वन में देखा था। इसकी जो संरचना होती है इसमें दो भित्ति देखने को मिलता है, बाहर की भित्ति एक्साइन और अंदर की ओर इंटाइन। इंटाइन जो होता है वो पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है और एक्साइन स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, जो बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट सब्सटेंस माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि अब तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं मिला है जो इसे ब्रेक कर सके। पॉलन ग्रेन में उन स्थान पर जहाँ के बाह्य जो स्तर है एक्साइन या तो काफ़ी रिड्यूस्ड होता है या नहीं बन पाता है, उन स्थानों को जर्म पोर्स कहा जाता है। एक डाइकोटिलेडनस जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें जनरली तीन जर्म पोर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मोनोकोटिलेडनरी पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनमें एक ही जर्म पोर देखने को मिलता है। अगर हम पॉलन ग्रेन का डिटेल स्टडी करें तो हम देख सकते हैं कि इसका एक्साइन जो है वो स्वयं फिर दो भित्तियों का बना हुआ होता है, जिसमें से जो आंतरिक भित्ति होती है उसे कहा जाता है एंडेक्साइन, जो कि इंटाइन के संपर्क में होता है, और इसके बाहर की जो भित्ति होती है उसे कहा जाता है एक्टेंजाइन। एक्टेंजाइन फिर स्वयं जो है तीन उप स्तरों का बना होता है, जिसमें से सबसे आंतरिक जो उप स्तर होता है वो कहलाता है फुट लेयर। इसके ऊपर की ओर कॉल्यूमेली या बैक्यूला और सबसे बाहर की ओर का स्तर कहलाता है टेक्टम। उन पॉलन ग्रेन्स में जो कि इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेट होते हैं, इनके बाहरी सतह पर लिपिड और कैरोटेनॉइड्स की बनी ऑयली लेयर होती है, जिसे पॉलन किट कहा जाता है। और इसका मुख्य कार्य होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, अल्ट्रावायलेट रेस से इन्हें बचाना और इंसेक्ट्स के शरीर से इन्हें चिपकाना ताकि पॉलिनेशन हो सके। हम यहाँ पर पॉलन ग्रेन से संबंधित कुछ और बातें भी कर लेते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन्स का अध्ययन को पेलिनोलॉजी कहा जाता है और पॉलन ग्रेन्स का जो संरचनात्मक अध्ययन सबसे पहले किया वो थे कॉल रूटर। आर्डमैन को पेलिनोलॉजी का जनक माना जाता है और
आगे जो हम देखेंगे, आज का टॉपिक हमारा है कि पॉलन ट्यूब ग्रोथ, यानी कि पॉलन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट का बनना, जो कहलाता है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। तो पॉलन ट्यूब की खोज का श्रेय जाता है एमिकी को। इस प्रकार से हमने यहाँ एक डिटेल स्ट्रक्चर देखा पॉलन ग्रेन का। अब ये कुछ टेक्स्ट के फॉर्म में हमने अभी तक जो पढ़ा है उसे ही लिया गया है। हमने अभी देखा कि जो माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके आउटर जो कवरिंग है वो एक्साइन है और अंदर की ओर पाया जाता है इंटाइन। और ये भी हमने देखा था कि ऐसे कुछ जगह होती हैं जहाँ पर कि एक्साइन या तो काफ़ी कम विकसित होता है, रिड्यूस्ड होता है, या फिर वो एब्सेंट होता है, और वैसे स्थान को कहा जाता है जर्म पोर। फिर हमने ये भी देखा कि इसका जो एक्साइन होता है वो फिर से जो है दो लेयर्स का बना हुआ होता है, एंड एक्साइन और एक्टेंजाइन। तो जो हमने पहले अभी पढ़ा या समझा उसको हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा है या लिया है। ये विभिन्न प्रकार के पॉलन ग्रेन्स हैं और इनको यहाँ क्लासिफाई किया गया है इनमें पाए जाने वाले जर्म पोर्स या जर्म फरोस के आकार के आधार पर। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि जहाँ जहाँ एक्साइन हाईली रिड्यूस्ड अवस्था में होती है या फिर नहीं पाई जाती है वो स्थान कहलाता है जर्म पोर, अगर वो एक पोर के रूप में हो, छिद्र के रूप में हो। और अगर वही लेंस नुमा लंबी संरचना हो तो फिर उसे जर्म फरो या कॉल्पस कहा जाता है। इसमें अगर पहला देखें हम पॉलन ग्रेन, तो इसमें जो जर्म फरो है ये लंबा लेंस नुमा आकृति का है और इस प्रकार का पॉलन ग्रेन कॉल्पेट कहलाता है। दूसरा जो पॉलन ग्रेन है जिसमें कि जर्म पोर है, गोल छिद्रनुमा संरचना है ये, और इस प्रकार के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पोरेट कहलाते हैं। तीसरे प्रकार जो हम यहाँ देख रहे हैं कि लेंस नुमा जर्म फरो भी है और फिर इसके अंदर जर्म पोर है गोल, तो इस प्रकार के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कॉल्पोरेट कहलाते हैं। चौथे प्रकार के हैं जिनमें कि गोल एक बड़ा छिद्र है और फिर उसके अंदर एक छोटा जर्म पोर है, इस प्रकार के पॉलन ग्रेन्स पोरोरेट कहलाते हैं। और अंतिम प्रकार यहाँ है जिसमें कि स्पाइरल सर्पिल नुमा पोर्स पाए जाते हैं, इस प्रकार के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये स्पाइरो अपर्चुरेट कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जर्म पोर्स के आकार के आधार पर भी पॉलन ग्रेन्स को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये पॉलन ग्रेन्स, जैसा कि हमने पहले भाग में भी अध्ययन किया है वीडियो लेक्चर के, कि पॉलन ग्रेन्स बनते हैं एंथर में और ये एंथर के डिहिसेंस के बाद ही मुक्त होते हैं और मुक्त होकर फिर ये विभिन्न माध्यमों से पुष्प के एंथर से पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, जिसे कि पॉलिनेशन कहा जाता है। और ये एंथर का डेहिसेंस या लाइन ऑफ डेहिसेंस जो एरिया है जहाँ की एंडोथीसियम की पेरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें स्टोमियम कहा जाता है, जिनमें कि किसी भी प्रकार का सेलुलोजिक फाइब्रस
थिकनिंग नहीं पाई जाती है, वहाँ से एंथर में स्पूटन या डेहिसेंस होता है और पॉलन ग्रेन्स वहाँ से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होकर ये पॉलिनेशन की क्रिया के द्वारा पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। पॉलन ग्रेन्स विभिन्न आकृति के होते हैं और इनकी ये जो आकृति होती है ये इनके एग्जाइम्स पे मिलने वाले भित्ति जो स्पोरोपोलिनिन के विभिन्न प्रकार से जमाव के कारण भी होता है। विभिन्न आकार के पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स जो कि एंथर से मुक्त हो गए हैं वो पॉलिनेशन के द्वारा एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। सो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज ओनली नोन एज पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स आर इमोबाइल, दे कैनॉट रीच द स्टिग्मा बाय देमसेल्व्स। एन एक्सटर्नल एजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। इट कैन बी विंड, वाटर, एनिमल, ग्रेविटी और ग्रोथ कॉन्टेक्ट। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन अगर हम देखें तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जिसे कि स्वपरागण कहा जाता है, पॉलिनेशन दैट ऑकर्स विद इन सेम फ्लावर, यानि कि इस प्रकार का जो पॉलिनेशन या परागण होता है इसमें पुष्प के एंथर से पॉलन ग्रेन्स उसी पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, या फिर जैसे कि गीटोनोगेमी में होता है कि पुष्प के एंथर से पॉलन ग्रेन्स का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचना भी एक प्रकार का सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। क्रॉस पॉलिनेशन उस पॉलिनेशन को कहा जाता है जिसमें कि पुष्प के एंथर से पॉलन ग्रेन्स का उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचना। इस प्रकार से परागण दो प्रकार का होता है। अब पॉलिनेशन तो हमने देख लिया कितने प्रकार का होता है, लेकिन इन परागकणों को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये माध्यम क्या क्या हो सकते हैं? ये या तो एबायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर बायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स में मुख्य हैं अगर परागण वायु के माध्यम से हो रहा है, विंड पॉलिनेशन कहलाता है जिसे एनिमोफिली भी कहा जाता है, और अगर ये परागण जल के माध्यम से है तो फिर ये वाटर पॉलिनेशन या हाइड्रोफिली कहलाता है। बायोटिक फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं अगर इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो एंटोमोफिली, अगर बैट्स के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो फिर चिरोप्टेरोफिली, अगर स्नेल्स के द्वारा पॉलिनेशन है तो मेलिकोफिली, और बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन अगर हो रहा हो तो फिर उसे ऑर्निथोफिली कहा जाता है। ये सारे जो प्रकार हैं जो कि बायोटिक फैक्टर्स हैं इनको हम कलेक्टिवली जूफिली भी कह सकते हैं। पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के थ्रू
फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। और ये टेक्स्ट के रूप में जो हमने पहले पढ़ा है उसको फिर से एक बार हम देख रहे हैं। और ये एग्जाइनी होता है विच प्रोटेक्ट्स दी स्पोर अगेंस्ट डेसिकेशन। पॉलिन स्टिग्मा फंक्शंस, पॉलिन एडहेशन, इनिशियल एडहेशन एग्जाइन मीडिएटेड मे डिपेंड ऑन बायोफिजिकल और केमिकल इंटरेक्शंस बिटवीन स्टिग्मा सरफेस एंड एग्जाइन पॉलीमर्स। मोबिलाइजेशन ऑफ पॉलिन कोट लीड्स टू मिक्सिंग ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड फॉर्म फुट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन स्टिग्मा सरफेस। लेटर स्टेज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ऑन पॉलिन कोट एंड प्रोटीन्स ऑन स्टिग्मा सरफेस contribute to adhesion requires protein-protein interaction। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब pollen grains पहुँचते हैं stigma पर तो pollen stigma interaction या function कैसे होता है। अब हम देखेंगे germination of pollen grains and growth of pollen tube। और पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के साथ ही अब हम उस पॉलन ग्रेन को पॉलन ग्रेन ना कहकर मेल गैमेटोफाइट कहने लगते हैं, क्योंकि पॉलन ट्यूब में ही इसका जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो फिर दो मेल गैमेट्स बनाता है। हम यहाँ देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन और किस तरीके से पॉलन ग्रेन से इसका इनर जो मेम्ब्रेन है इंटाइन वो एक पॉलन ट्यूब के रूप में जर्म पोर से होते हुए बाहर आ जाता है जिसे पॉलन ट्यूब कहा जाता है। और अब इसे पॉलन ट्यूब बनने के बाद पॉलन ग्रेन ना कहकर मेल गैमेटोफाइट की संज्ञा दी जाती है। क्या क्या परिवर्तन होता है पॉलन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट बनने तक में? मेल गैमेटोफाइट के विकास की प्रक्रिया एंथर से पॉलन ग्रेन्स के स्वतंत्र होने के पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है और लगभग सभी एंजियोस्पर्म्स में मेल गैमेटोफाइट के विकास की प्रक्रिया समान होती है। पॉलन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट के बनने की प्रक्रिया माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है जिससे दो असमान आकार की कोशिकाएं बनती हैं। बड़े आकार की कोशिका को कहा जाता है वेजिटेटिव सेल और जो छोटे आकार की कोशिका बनती है उसे कहा जाता है जेनरेटिव सेल। चित्र में दोनों कोशिकाएं स्पष्ट दिखाई दे रही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये विभाजन एसिमेट्रिकल प्रकार का होता है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो प्लांट्स होते हैं उनमें देखा जाता है कि पॉलन ग्रेन्स बनने के शीघ्र बाद ही मेल गैमेटोफाइट के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन टेम्परेट एरियाज के जो प्लांट्स होते हैं उनमें पॉलन ग्रेन्स कुछ दिनों या महीनों तक निष्क्रिय पड़े रहते हैं। पॉलन ग्रेन्स में विभाजन के पूर्व न्यूक्लियस पॉलन ग्रेन के केंद्र से परिधि की ओर स्थानांतरित हो जाता है और न्यूक्लियस का यह जो स्थानांतरण होता है वो एक निश्चित दशा में होता है। मूवमेंट जो होता है न्यूक्लियस का ये बहुत स्पेसिफिक होता है और ये जनरेटिव सेल की स्थिति को दर्शाता है। इसके विपरीत स्थित जो कोशिका द्रव्य क्षेत्र होता है उसमें कई वैक्यूल्स उत्पन्न हो जाते हैं। जो हमने अभी देखा है जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल या केंद्र का जो मूवमेंट है बहुत स्पेसिफिक है और ये फिर बाद में जनरेटिव सेल की स्थिति को दर्शाएगा
और जो इसका विपरीत जो क्षेत्र होता है वहाँ पर वैक्यूल्स जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। जनरेटिव सेल प्रारंभ में इंटाइन के संपर्क में होते हैं, लेकिन बाद में स्वतंत्र होकर वेजिटेटिव सेल के कोशिका द्रव्य में ही तैरने लगते हैं। प्रारंभ में तो ये प्लाज्मा लेमा के द्वारा दोनों जो न्यूक्लियस हैं वो सेल्स जो हैं अलग अलग रहती हैं, लेकिन बाद में जो है ये जनरेटिव जो सेल होता है वो वेजिटेटिव सेल के कोशिका द्रव्य में ही तैरने लगता है और पॉलन ग्रेन की भित्ति से पृथक होने पर जनरेटिव सेल का आकार लगभग चपटा होता है, लेकिन विकास की विभिन्न अवस्थाओं में इसका आकार एलिप्सॉइडल, वर्मीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म, लेंटिक्यूलर भी हो सकता है। प्लास्टिड्स को छोड़कर लगभग सारे सेल ऑर्गेनेल्स जनरेटिव सेल में स्थित होते हैं, लेकिन ओइनोथेरा, हुकेराई और कुछ अन्य जातियों के जनन कोशिका में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ जो पॉलन ग्रेन है उसमें माइटोटिक सेल डिवीज़न हुआ और माइटोटिक सेल डिवीज़न के उपरांत दो कोशिकाएं बनी। बड़ी जो कोशिका है वेजिटेटिव सेल है और जो आकार में छोटी कोशिका है वो है एक जनरेटिव सेल। अब हम जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या होता है जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। इंक्रीज इन द साइज एंड नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ वेजिटेटिव सेल, यानी कि पॉलन ग्रेन का जो वेजिटेटिव सेल है उसका आकार बढ़ जाता है और उसके कोशिकांग जो होते हैं इनकी संख्या भी बढ़ जाती है। वैक्यूल्स जो बने होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन आरएनए और प्रोटीन का कंटेंट बढ़ जाता है। जनरेटिव सेल का मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाता है और पॉलन ग्रेन का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो स्टिग्मा पर उपस्थित वाटरी कंटेंट को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, इट गेट्स स्वेलन अप, और इंटाइन जर्म पोर्स के द्वारा एक पॉलन ट्यूब के रूप में बाहर आती है। पॉलन ट्यूब का मेम्ब्रेन कैलोज और सेलुलोज का बना होता है और इसके टिप पर सेमी ट्रांसपेरेंट ओवल एरिया अपीयर हो जाता है जिसे कैप ब्लॉक कहा जाता है, और इसी कैप ब्लॉक के ऊपर जेनरेटिव सेल उपस्थित होता है। जब पॉलन ग्रेन्स तीन कोशिकीय अवस्था में एंथर से मुक्त होते हैं तो उस समय वहाँ मेटाफेसिक प्लेट और स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होता है, क्योंकि तीन सेल्ड स्टेज के दौरान जेनरेटिव सेल से दो मेल गैमेट्स का निर्माण हो चुका होता है। लेकिन जब ये दो कोशिकीय अवस्था में मुक्त होते हैं तो उन परिस्थिति में मेटाफेसिक जो प्लेट होता है उसका निर्माण नहीं होता है। जेनरेटिव जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है और दो मेल गैमेट्स का निर्माण करता है। चूंकि अब दो मेल गैमेट्स का निर्माण हो चुका है तो अब इसे मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। यही हमारे आज के टॉपिक का मुख्य हिस्सा भी है, पॉलन ट्यूब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट।
फॉर्मेशन ऑफ कैलोस प्लक के द्वारा जो मेल गैमेट्स बनते हैं पॉलिन ट्यूब में, उनका बैकवर्ड जो फ्लो होता है उनको रोका जाता है और उनकी सुरक्षा भी की जाती है। इस चित्र में जो हमने अभी पढ़ा है उसको हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि हमने देखा था पॉलिन ट्यूब जो होता है इसमें कैलोस प्लक का निर्माण होता है कैलोस के डिपोजिशन के कारण, और इस कैलोस प्लक के बनने से जो मेल जो गैमेट्स होते हैं उन मेल गैमेट्स का इस पॉलिन ट्यूब में फिर से ऊपर वापस बैक फ्लो रोका जाता है। अब हम पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन की बात कर लेते हैं। द पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन बिगिंस विथ पॉलिनेशन फॉलोड बाय पॉलिन एडहेशन टू द स्टिग्मा। आफ्टर इट एडहेयर्स इट इम्बाइब्स वाटर एंड गेट्स हाइड्रेटेड विच इनिशिएट्स पॉलिन ट्यूब जर्मिनेशन। दिस पॉलिन ट्यूब penetrates through the stigma and the tube grows through the style and reaches the ovary. इस pollen pistil interaction में जो sporophytic recognition factors होते हैं, ये वो factors होते हैं जो कि मुख्य रूप से proteins, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड्स, कुछ एलर्जेंस होते हैं जो टेपेटम्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें स्पोरोफिटिक रिकग्निशन फैक्टर्स कहा जाता है। और इंटाइन के जो गैमेटोफिटिक फैक्टर्स होते हैं जिनमें प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, इनका स्टिग्मा से सीक्रेट किए गए केमिकल्स जैसे कि प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, और अगर वो ड्राई स्टिग्मा है तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स की जो ड्राई लेयर होती है ये भी स्पोरोफिटिक ओरिजिन की होती है, इनके बीच इंटरेक्शन के फलस्वरूप ही पॉलन ट्यूब का ग्रोथ संपूर्ण हो पाता है और ये पॉलन ट्यूब जो है फिर ओव्यूल्स तक पहुंच पाता है, एम्ब्रियो सैक तक पहुंच पाता है। इसी जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ट्यूब को यहाँ फिर से हम ले रहे हैं, दैट पॉलिन ट्यूब्स एक्सटेंड अप टू सेवरल सेंटीमीटर टू रीच एम्ब्रियो सैक। सेल वॉल लैक्स सेलुलोज बट हैज अनदर पॉलीसेकेराइड कैलोस, ग्लूकेगॉन कैलोस सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एक्सट्रीम टिप ऑफ पॉलिन ट्यूब बाय गोल्जी डिराइव्ड वेसाइकल्स, फ्यूजन ऑफ वेसाइकल्स विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सपेंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ इलोंगेटिंग ट्यूब एंड कंटेंट ऑफ वेसाइकल्स एक्सपेंड द वॉल ऑफ इलोंगेटिंग ट्यूब। अब हम देखेंगे पाथ ऑफ पॉलिन ट्यूब। पॉलन ग्रेन्स फ्लावर के स्टिग्मा पर जर्मिनेट होते हैं और इनसे सामान्यतया एक पॉलन ग्रेन से एक ही पॉलन ट्यूब निकलती है। इस कंडीशन को मोनोसाइफोनस कंडीशन कहते हैं, लेकिन कुछ कुल जैसे मालवेसी, कुकुरबिटेसी इत्यादि के सदस्यों में प्रत्येक पॉलन ग्रेन से एक से अधिक पॉलन ट्यूब्स भी निकलती है। उस कंडीशन को पॉलीसाइफोनस कंडीशन कहा जाता है। अगर हम ग्रोथ ऑफ पॉलिन ट्यूब देखें तो पॉलिन ट्यूब की वृद्धि कैल्शियम आयंस की उपस्थिति के कारण होती है और इसी कारण ये
ओवरी में स्थित ओव्यूल्स की तरफ वृद्धि करती है, अर्थात इसकी वृद्धि कीमोटैक्टिक प्रकार की होती है। साथ ही पॉलिन ट्यूब के शीर्ष क्षेत्र में, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि एक सेमी ट्रांसपेरेंट ओवल आकार का क्षेत्र होता है जिसे कैप ब्लॉक कहते हैं, इस कैप ब्लॉक में पैक्टिक सब्सटेंसेस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और पैक्टिक सब्सटेंसेस के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लिपिड बॉडीज, वेसाइकल्स और एमाइलोप्लास्ट्स होते हैं और ये सभी पॉलिन ट्यूब की वृद्धि के कारक होते हैं। अगर हम पाथ देखें पॉलिन ट्यूब का, तो पॉलिन ट्यूब स्टिग्मा से स्टाइल में और फिर ओवरी की ओर वृद्धि करती है। पॉलिन ट्यूब स्टिग्मेटिक पैपिली से होकर स्टाइल के अंदर प्रवेश करती है और ये स्टाइल या तो हॉलो हो सकता है या हाफ सॉलिड या फिर सॉलिड होता है। मोनोकॉटलिडनस जो प्लांट्स होते हैं उनमें स्टाइल हॉलो होता है और ज़्यादातर डाइकॉट्स में ये ठोस होता है। कैक्टेसी कुल के सदस्यों में स्टाइल सेमी सॉलिड होता है। पॉलिन ट्यूब ओव्यूल की ओर वृद्धि या तो स्टाइलर कैनाल या इंटरसेलुलर स्पेसेस से होकर करती है या फिर सेलुलेज, पेक्टिनेज आदि एंजाइम्स को श्रावित कर स्टाइलर जो टिश्यूज होती हैं उनको डिसोशिएट करते हुए ये बीजांड तक पहुंचती है। पॉलिन ट्यूब में इसके जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होते हैं और मेल गैमिट्स को अग्र क्षेत्र में बनाए रखने के लिए कैप ब्लॉक मदद करता है और मेल गैमिट्स को पॉलिन ट्यूब में पीछे की ओर मूवमेंट ना हो सके इस हेतु कैलोस प्लग सहायक होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो पॉलिन ट्यूब होता है वो किस प्रकार से स्टिग्मा फिर स्टाइल से होते हुए अंततः जो है ये ओव्यूल और फिर एम्ब्रियो सैक तक पहुंचता है। इस डायग्राम में भी पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा पे जर्मिनेशन, पॉलिन ट्यूब का बनना और फिर उसका स्टाइल से होते हुए आगे की ओर बढ़ना दिखाया गया है। अब हम देखेंगे एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इनटू ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक एंड डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स। पॉलिन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर प्रवेश करना तीन प्रकार से हो सकता है। अगर पॉलिन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है तो इसे पोरोगैमी कहा जाता है। अगर पॉलिन ट्यूब चलाजा के द्वारा या चलाजा के से होते हुए अंदर आती है तो फिर इसे चलाजोगेमी कहते हैं। और अगर पॉलिन ट्यूब इंटेगुमेंट से होकर अंदर आती है तो फिर इसे मीजोगेमी कहा जाता है। ज़्यादातर जो पोरोगेमी होता है वो एंजियोस्पर्मिक पौधों में देखने को मिलता है। चलाजोगेमी कंडीशन कैजुराइना इत्यादि में देखने को मिलता है और जो मीजोगेमी वगैरह होता है ये कुकुरबिटा वगैरह में देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार से पॉलिन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर प्रवेश के आधार पर तीन प्रकार यहाँ हमने देखा।
अब हम देखेंगे पॉलिन ट्यूब का एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश। एम्ब्रियो सैक में जो पॉलिन ट्यूब है वो एग सेल और एक सिनर्जिड्स के मध्य से या फिर एम्ब्रियो सैक के भित्ति और एक सिनर्जिड्स के बीच से अथवा एक सिनर्जिड सेल को भेदते हुए अंदर प्रवेश करती है। सामान्यतया एक सहायक कोशिका या सिनर्जिड पॉलिन ट्यूब के प्रवेश के समय से और दूसरा पॉलिन ट्यूब का पहले वाले सिनर्जिड में प्रवेश के बाद समाप्त हो जाता है। कुछ पौधों में पॉलिन ट्यूब के प्रवेश के समय दोनों सिनर्जिड्स नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ देखा पॉलिन ट्यूब स्टिग्मा से होकर स्टाइल से होते हुए किस प्रकार से ओव्यूल और फिर एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है और यहाँ प्रवेश करने के पश्चात पॉलिन ट्यूब ब्रेक हो जाती है। इससे दोनों मेल गैमिट जो हैं वो मुक्त हो जाते हैं। एक मेल गैमिट एग सेल से फ्यूज होकर जायगोट बनाता है और दूसरा मेल गैमिट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है और इस प्रकार से डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में आज पॉलिन ग्रेन से मेल गैमिटोफाइट का बनना और फिर गाइडेंस ऑफ पॉलिन ट्यूब को हमने अच्छे से देखा कि किस प्रकार से पॉलिन ट्यूब स्टिग्मा से होकर अंत में एम्ब्रियो सैक तक पहुंचती है। आप इस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच।